हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुशांत कुमार है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपको घर में किस टाइप के दरवाजे या किस मटेरियल के दरवाजे या खिड़की यूज़ करने चाहिए। जैसे कि आजकल यूपीवीसी बहुत ही ट्रेंड में है, और ये मेरे पीछे आपको यूपीवीसी डोर विंडो में दिखाता हूँ। ये यूपीवीसी का डोर है। ये देखने में तो आजकल मॉडर्न लुक में है और इतना ही ट्रेंडी है ये आजकल, और आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही एलिगेंस लुक देता है। तो आज इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये यूपीवीसी का डोर विंडो है। तो इसमें क्या होता है कि ये आउटर फ्रेम होता है, ये यूपीवीसी मटेरियल का होता है जो कि बहुत हार्ड मटेरियल है। इसको ये इतना सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि इसके अंदर स्टील की रेनफोर्समेंट डाली हुई है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। अगर और इस यूपीवीसी डोर विंडो में देखेंगे आप कि ये बड़े बड़े ग्लास लगाए जाते हैं जो कि टफन ग्लास होते हैं। इसमें डबल डबल ग्लेजिंग होती है, ये इनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि ये सिक्योरिटी ग्लास बनाए जाते हैं इसके। अब इसमें एक सिक्योरिटी के लिए लॉकिंग सिस्टम भी दिया होता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप अपने डोर विंडोज़ में लगाते हैं। बड़ा स्मार्ट लॉक होता है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लॉक होता है। तो ये इस कई तरह के लॉकिंग अरेंजमेंट में आता है अकॉर्डिंग टू योर। अब मैं इसको आपको अंदर से ले जाके यूपीवीसी डोर विंडो के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये यूपीवीसी डोर विंडो जो होता है ये एक स्लाइडर उसमें होता है, स्लाइडर रेल पे होता है। तो इसको आप जो भी करते हैं तो इसको इस टाइप, ये एक स्लाइडर डोर फ्रेम है, आप ये देख रहे होंगे मेरे जो पीछे है। इसको जब हम बंद कर देते हैं तो ये कम्प्लीटली साउंड प्रूफ हो जाता है, और इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, तो हम कम्फर्टेबली अंदर बैठ के काम कर सकते हैं। ये 80-90% साउंड प्रूफ होता है, बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस अंदर नहीं आ सकती है। अब जैसा कि हमारा एनवायरनमेंट है, हॉट एनवायरनमेंट है इंडिया में, तो हमारे यहाँ मॉस्किटोस या बग्स वगैरह होते हैं, और रात को अगर हमें कुछ इस रूम को यूज़ करना है और कुछ काम करना है तो मॉस्किटोस के लिए इसमें ये जाली दी हुई है, जाली वाला डोर दिया हुआ है। ये ऐसे इजीली हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये प्रॉपर वेंटिलेटेड होता है। ये जाली स्टील की आती, SS की जाली आती है और फाइबर में जाली है, दो टाइप की जाली आती है। आप देख रहे हैं कि इसको बंद होने के बाद आपको कितना अपीलिंग व्यू नज़र आता है, आपको थ्रू आउट पूरा का पूरा कंप्लीट व्यू नज़र आता है कि बाहर गार्डन है या आपके चेयर टेबल्स हैं या आपके ग्रीनरी है। तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको वुडन के उसमें नहीं मिल, डोर विंडो में नहीं मिलते। आइए मैं आपको वुडन डोर के बारे में बताता हूँ कि वुडन डोर के क्या ड्रॉबैक्स हैं। वुडन डोर जैसे जनरली ये रूम का डोर 3 या 3.5 फुट साइज़ का होता है, तो इसमें जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो इसको प्रॉपर 3 फुट का ही स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़, कोई फ्लावर पॉट या कोई कॉर्नर इसका यूज़ नहीं कर सकते, ये इतना एरिया इसका हमेशा वेस्ट जाता है। आपको कोई बेड भी अगर रखना होगा तो आप इसके पास नहीं रख सकते हैं बिल्कुल। अगर आप यूवीसी डोर विंडो में देखेंगे तो ये अपने स्लाइडर होता है, ये अपने ही रेल पे मूव करता है, तो इसको करने के लिए इसके कॉर्नर वेस्ट नहीं जाते हैं। आप इस पर कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं या आप इसमें साइड लैंप्स वगैरह अपने यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इनके यूपीवीसी के बेनिफिट्स डिटेल्स में बताता हूँ। इसका पहला बेनिफिट है कि आप कस्टमाइजेबल बनवा सकते हैं इसको, आप अपने शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं कि इसकी हाइट आपको 8 फुट देनी है, इसकी विड्थ 7 फुट देनी है, आप इसको 3 फुट विड्थ में भी बनवा सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। और सेकंड बेनिफिट्स है ये सिक्योरिटी में ये डबल ग्लास यूज़ करते हैं, डबल ग्लेज होता है, इसमें वैक्यूम होता है, तो ये सिक्योरिटी ग्लास की तरह यूज़ होता है, ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी इनकी इतनी है कि ये जो अच्छी ब्रांड्स के होते हैं ये 20-30 ईयर इनका लाइफ स्पान होता है, ये 20-30 साल बिना कुछ इनमें प्रॉब्लम हुए ये चलते हैं। और अगर आप इंडियन कुछ ब्रांड्स जो इससे जो फॉरेन ब्रांड्स से चीप ब्रांड्स होते हैं वो भी कम से कम 10-15 साल चलते हैं। दूसरी चीज़, ये लो मेंटेनेंस होते हैं, इनको इजीली आपको वाइप करके आपको सिंपली सोपी वाटर से इसको वॉश कर सकते हैं और पानी से क्लीन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें से मिट्टी या जो डर्ट कहते हैं वो हटानी होती है। जनरली आप वुडन डोर में ये नहीं कर पाते हैं। हम बात करते हैं कि ये लो मेंटेनेंस क्यों है। इसमें क्या होता है कि सनलाइट का या बरसात का या धूप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि लकड़ी के दरवाज़ों में क्या होता है कि अगर धूप आती है उसके बाद बरसात होती है तो वेदर चेंज हो जाता है, उसका पेंट उतरना लगता है, आपको उसको हर बार सैंडिंग करवाना पड़ता है रेगमार्क से, फिर उसको पेंटर को बुला के दोबारा रीपेंट कराना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बरसात की वजह से आपको या वेदर जो
वेदर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से दीमक जल्दी लगती है लकड़ी के दरवाजों में, इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने लकड़ी के दरवाजे लगा लिए हैं तो उसमें दीमक 1 साल या 6 महीने से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका। जबकि मार्केट में एंटी टर्माइट्स आते हैं बट फिर भी वो क्यूरेबल 100% नहीं है, उसको आपको हमेशा ही रिपेयर करवाता रहना पड़ता है, ये बहुत बड़ी हेडेक होती है। अगर हम UPVC डोर विंडो में एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होता है। एक बार ये बंद होने के बाद ना तो इसमें गर्मियों में गर्मी अंदर जा सकती है और विंटर्स में ठंडी हवा भी अंदर नहीं जाती है, जैसा कि आपके डोर विंडोज़ लकड़ी के जो होते हैं वो उस चीज़ को नहीं प्रिवेंट करवाते हैं। इसके अंदर अगर AC चल रहा होता है तो उसकी ठंडी एयर बाहर नहीं आ पाती है, तो आपका रूम ईजीली और काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रहता है। इसमें इसकी एक क्वालिटी और है, जब भी आपकी बरसात गिरती है लकड़ी के दरवाजों पे या तो वो जाली में अंदर जाती है या कुछ है, बट इसमें क्या कहते हैं, आप ये देख रहे होंगे इसमें ये वेंट दे रखे हैं, ड्रेनेज वेंट दे रखे हैं छोटे छोटे ये इधर इसके फ्रेम्स में, तो जो भी पानी इस पे गिरता है वो सारा का सारा इसमें ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट हो जाता है। अब हम बात करते हैं UPVC डोर विंडो किन किन ब्रांड्स में अवेलेबल है। UPVC डोर विंडो के फ़ौरन ब्रांड्स अगर लेंगे तो फेनेस्टा है, एल्यूप्लास्ट है जो जर्मन ब्रांड है, एनक्राफ्ट है, ये सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं। और अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करेंगे तो समटा है, प्रोमिनेंस है, और चाइनीज़ ब्रांड में लेसो ब्रांड आता है। अगर आप फेनेस्टा एनक्राफ्ट और एल्यूप्लास्ट लगाते हैं तो 20-30 साल तक आपको कुछ भी नहीं करवाने की ज़रूरत होती है इसमें, और 20-30 साल तक ईजिली ये मेनटेन रहते हैं अपने। और अगर आप इंडियन ब्रांड्स लगाते हैं तो वो भी 15 ईयर्स तक कहीं भी नहीं जाते, एकदम बिल्कुल स्टडी रहते हैं। इसमें फेनेस्टा की बात करें तो फेनेस्टा जो है आपको अपने एस्टिमेटेड अमाउंट से 42% तक डिस्काउंट देता है अगर आप उनके साथ अच्छी बार्गेनिंग करते हैं तो। हम बात करते हैं अब कि अगर आप अपना न्यू घर बना रहे हैं या पुराने घर में कुछ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बजट की, अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आप फेनेस्टा या एल्यूप्लास्ट पे जाइए या एनक्राम पे जाइए। अगर आपके पास बजट है या लो बजट बनाना चाहते हैं तो इंडियन ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं। आपको फेनेस्टा जो है वो 900 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, जिसमें ये सारे दरवाजे इंक्लूड होते हैं, उनके आपके डिज़ाइन के हिसाब से रेट वेरी करते हैं, बट इंडियन ब्रांड जो है वो 450 से 550 ऑलमोस्ट हाफ रेट पे ही आपको UPVC मिल जाते हैं। और हम लकड़ी के डोर की बात करें तो लकड़ी के डोर बनाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट जाके लकड़ी खरीद के लानी होती है, उसको बनाने के लिए आपको एक कारपेंटर हायर करना होता है, उसको पेंट करने के लिए आपको पेंटर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आप जाली लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, उसके लिए हैंडल, आप चटकनी जिसे टावर बोल्ट बोलते हैं वो लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा हेडेक वाला प्रोसेस है। तो आप इसको जो ये है ये भी UPVC के कंपेयर में कोई बहुत सस्ते नहीं पड़ते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाता है। अगर सारी चीज़ें सारी कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्वली पड़ते हैं, और हो सकता है ये आपको कई बार इसमें महंगे भी पड़ जाएँ। फ्रेंड्स, हम UPVC डोर विंडो में दो या तीन टाइप के डोर्स मिलते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल डोर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये स्लाइडर डोर कहलाता है, और ये सेकंड वाला जो हमारे पीछे डोर है इसको ये लोग लग्जरी केसमेंट डोर कहते हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल डोर विंडो की तरह ही ओपन होता है। तो आप इस टाइप के भी डोर कस्टमाइज तरीके से आप बनवा सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि आप लॉन्ग टाइम में अपनी जो बार बार के खर्चे हैं उनसे बचने के लिए आप UPVC डोर विंडो के फ्रेम्स वगैरह यूज़ कीजिए, तो आपकी रोज़ रोज़ की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको UPVC के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।